सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनाम् माणिक्यमौलि स्फुरत् तारानायक शेखरां स्मितमुखी आपी न भक्षोरुहा पाणिभ्या मलिपूर्णरत्नचषकम् रक्तोत्पलं बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थ रक्तचरणाम् ध्यायेत् परामम्बिका जय माँ जय गुरुदेव आप लोगों के हृदय में बैठी माँ ललितांबिका को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने समस्त गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ आदि गुरु शंकराचार्य से प्रार्थना करती हूँ कि ललिता सहस्राम इस विषय को जो समझाने का मैं प्रयास कर रही हूँ वो बिल्कुल सरल शब्दों में आप लोगों को समझा पाऊँ अब तक हमने श्लोक नंबर इक्सी एटी तक कर दिया है हमने माँ के विभिन्न रूपों को समझा पहले वाले वीडियोस में आप लोग देख लीजिएगा चैनल पर प्लेलिस्ट में है अब हम लोग आज जो है हम लोग आगे के श्लोकों में जाएंगे श्लोक नंबर 82 से लेकर के श्लोक नंबर 97 तक बयासी से लेकर के संतानवे तक हमने अभी तक माँ के निराकार स्वरूप को देखा उनके युद्ध पराक्रम के बारे में सुना और उनके साकार रूप के सौंदर्य का वर्णन सुना हमने उनके क्षेत्र स्वरूप क्षेत्र छिद्र के रूप में जो वो हैं उनके बारे में श्रवण किया अब हम लोग आगे माँ के और भी गुणों का श्रवण करेंगे श्लोक नंबर बयासी कामेश्वर प्राण नाड़ी कृतज्ञा काम पूजिता श्रिंगार रस संपूर्णा जया जालंधर स्थितिता कामेश्वर प्राण नाड़ी का अर्थ है जो कामेश्वर की प्राण है ऐसी माँ को हम कामेश्वर यानी भगवान शिव जो कामेश्वर की प्राण है ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं कामेश्वर प्राण नाड़ी कृतज्ञा माँ कृतज्ञा कृतज्ञा का अर्थ है कि आपने माँ के लिए कुछ भी किया हो थोड़ी सी भी चीज प्यार से उनको केवल माँ आई लव यू वेरी मच बोल करके एक पुष्प चढ़ा दिए हो माँ हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं हृदय से प्रेम करते हैं हम आपके लिए ये खीर बना कर के लिए आए छोटी सी बात है बड़ी बड़ी तपस्या आपको नहीं आती करने कि हम घंटों नहीं बैठ सकते हमारा समय नहीं है माँ क्या करे पूरे दिन बिजी होते हैं आप तो जानती हैं कलयुग का हालत लेकिन माँ हम आपसे प्रेम करते हैं और ये हम अपने हृदय से आपको अर्पण करते हैं छोटा सा काम यदि आप कर दो तो माँ उसको कभी भूलती नहीं है माँ हमेशा कृतज्ञ रहती है आपने छोटा सा दान कर दिया किसी का भला कर दिया अच्छे कर्म कर दिए माँ वो याद रखती है और माँ उस हिसाब से आपको कर्म फल देती है माँ कभी कभी ऐसा होता है ना मन में अरे बड़े लोग बहुत तपस्वी लोग हैं हम तो उतनी तपस्या नहीं कर पाते तो मन में एक ऐसी एक गिल्टी की भावना आती है लेकिन नहीं यहाँ पर ऐसा नहीं होता बिल्कुल यहाँ पर अपराध बोध नहीं होता माँ इतनी प्यारी है इतनी प्यारी है कि तुम केवल जो तुम घर में दाल चावल खाते वो भी अगर माँ को अर्पण कर दिया ना माँ उसे भी प्रसन्न हो जाती है तो माँ या तो केवल माँ को इतने प्यार से बोल दिया तुमने और मन से गले लगा लिया माँ मेरी माँ बोल <laughs> करके जाकर के तुमने माँ को गले से लगा लिया हो गया माँ को केवल जब तुम प्रेम देते हो तो माँ उतना ही प्रेम तुमको पुनः देती है तो कृतज्ञाए न माँ मतलब माँ कृतज्ञ है एक छोटा सा भी यदि तुमने उनकी सेवा कर दी तो माँ उस सेवा को कभी भूलती नहीं हैं काम पूजित आय न कामदेव ने उनकी पूजा करी है और इसकी कथा त्रिपुरा रहस्य में आती है कामदेव को जो जो ताकत मिली है पूरी दुनिया को अपने वश में करने का काम के बाण चलते हैं तो लोग भूल जाते हैं सब कुछ तो वो जो ताकत मिली है वो जो शक्ति मिली है वो माँ से ही मिली है तो कामदेव उनकी पूजा करते हैं और जो माँ का जो मंत्र आता है पंचदशी मंत्र वो कामदेव के द्वारा ही चलाया गया मंत्र है तो काम पूजिताय नम श्रृंगार रस संपूर्ण आय नम माँ के अंदर संपूर्ण श्रृंगार विद्यमान है ऐसी जो माँ है और जो माधुर्य भरी माँ है ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं जयाय नम माँ जो हमेशा जिनकी जय होती है जय माँ ललितांबिका जिनकी जय होती है उनको हम प्रणाम करते हैं जालंधर स्थित नमः नम वो माँ जो जालंधर में या विशुद्धि चक्र में रहती हैं ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं ओड्यान पीठ नील महा वो माँ जो आज्ञा चक्र में रहती है या जो ओड्यान में रहती है उनको हम प्रणाम करते हैं बिंदु मंडल वासी महा जो माँ बिंदु में रहती है बिंदु के बहुत अर्थ हैं एक तो बिंदु होता है जो हमारा शस्त्रार का यहाँ पर इसको हम कहते हैं बिंदु फिर एक बिंदु होता है आज्ञा चक्र का बिंदु ये तो चलो योगियों की बात है हमारे ऐसे साधारण आदमी कैसे समझे बिंदु यानी हर एक हर एक पॉइंट कण कण में रज रज में जहां भी देखो जिस भी चीज में देखो जहां भी मन को केंद्रित करो उस केंद्र में वो बिंदु ओम बिंदु मंडल वासन्य नमः हम ऐसी माँ को नमस्कार करते हैं जो हर एक बिंदु में हर एक के केंद्र में हर चीज जो चीज़ हमको दिखती है सब के केंद्र में अगर कोई है बिंदु में अगर कोई है कण कण में अगर कोई है अणु अणु में कोई है परमाणु में कोई है ऐसी जो माँ है उनको हम हृदय से नमस्कार करते हैं ओम रहो याज्ञ करा माराध्य न महा ये श्लोक नंबर एटी है ओड्यान पीठ ने लिया बिंदु मंडलवासिनी रहो याग क्रम आराध्या रहस तर्पण तर्पिता पीठ मैंने आपको बताया कि माँ जो ओड्यान पीठ में रहती हैं जो आज्ञा चक्र में रहती हैं माँ जो बिंदु मंडल वासिनी है जो बिंदु बिंदु में रहती हैं रहो याग क्रम आराध्या जिनको बहुत ही गुप्त रस में तांत्रिक क्रियाओं से जिनकी पूजा होती है और ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं रहस्य तर्पण नमः जिनको तर्पण देने से माँ प्र... जो प्रसन्न होती हैं ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं ओम सद्य नंबर सद्य प्रसादिनी विश्व साक्षिणी साक्षी वर्जिता षडंग देवता युक्ता षुण परिपूरिता हम उन माँ को प्रस... को नमस्कार करते हैं जो सद्या प्रसादिनी मैंने कहा ना थोड़ा सा काम कर दो मां के लिए उनका नाम ले लिया उनका मंत्र जप दिया कुछ नहीं ललता सस नाम सुना दिया टाइम नहीं है ओके okay। माँ का 108 नाम सौभाग्य स्तोत्र सुना दिया उतना भी टाइम नहीं है केवल श्री मात्र महा लेकर के पांच चीज़ अर्पण कर दी पुष्प और दीप धूप और थोड़ा प्रसाद जल अर्पण कर दिया माँ प्रसन्न सद्या प्रसादिन्य न जो माँ तुरंत जल्दी से प्रसन्न हो जाती है विश्व साक्षिण्य न जो माँ विश्व की साक्षिणी है साक्षी वर्जिता है नम जो साक्ष जो खुद तो साक्षी है लेकिन उसका साक्षी कौन है वो तो साक्षियों से ऊपर है षडंग देवता युक्त है जब हम माँ के न्यास वगैरह करते हैं तो माँ का तो जो न्यास होता है वो अंग न्यास जिसमें छः अंगों की आ, का वर्णन होता है तो हम उन छः अंगों में माँ को माँ के मंत्रों को स्थापित करते हैं उसको कहते हैं षडंग तो वो हृदय से शुरू होता है हृदय फिर यहाँ पर आता है शिरो फिर शिखा फिर कवच फिर एक होता है अस्त्राय तो जो लोग माँ की पूजा करते हैं वो लोग जानते हैं इन अंगों को तो ये जो षड़ंग माँ का एक नाम है षडंग देवतायुक्त आये नमा कि ये जो छः अंगों में जितनी देवताएं हैं देवताएं हैं उनको धारण करने वाली हे माँ आपको नमस्कार है फिर षाठ गुण्य परिपूरित जिनके अंदर छः गुण हैं भगवान या भगवती इन इनको कहा जाता है षड ऐश्वर्य गुण ऐश्वर्य छह ऐश्वर्य होते हैं इनके कोई भी व्यक्ति भगवान या देवी नहीं बन सकता जिसके अंदर ये छह गुण होते हैं उसी को हम षड ऐश्वर्य गुण कहते हैं जब माँ को कहते हैं कि ष गुण परिपूर्णता है न उसका अर्थ होता है जिनके अंदर परिपूर्ण सौंदर्य है एक गुण जिनके अंदर परिपूर्ण बल है शक्ति दो गुण जिनके अंदर परिपूर्ण सारा समस्त धन जो संसार का है ब्रह्मांड में सारा समस्त जो सबसे ज़्यादा धनवान है तीन गुण और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है इनसे प्रसिद्ध कोई है नहीं जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ऐसी माँ और सारा ज्ञान का भंडार जिसके अंदर है जो ज्ञान से परिपूर्ण है ऐसी माँ और इतना सब होते हुए जो त्याग से परिपूर्ण है तो कितने गुणों के छह गुण सौंदर्य धन शक्ति प्रसिद्धि ज्ञान और ये पांचों गुण के साथ साथ त्याग जो इन सभी गुणों से परिपूर्ण है ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं ओम नित्य क्लना महा इतनी गुणवान होने के बाद भी माँ बड़ी करुणामयी है तो अब हम लोग श्लोक नंबर 85 का सुनते हैं नित्य क्लन्ना निरूप निर्वाण सुखदायिनी नित्या षोडशिका रूपा श्रीकंठार्ध शरीरिणी माँ नित्य है बहुत ही करुणामयी और उनकी करुणा में उनकी करुणा में ना ऐसे उतार चढ़ाव नहीं है हमेशा नित्य कभी कभी क्या होता है ना हम संसार में जब रहते हैं तो लोग हमसे प्यार से बात करेंगे तो हमको तो बड़ी करुणा आएगी उनकी तरफ हम दया करते हैं उनकी तरफ लेकिन यही अगर उन्होंने उल्टा मुँह हमसे मुंह फेर लिया तो कुछ हमारे बारे में बुरा कह दिया तो तुम्हारी तो करुणा सारी खत्म हो जाएगी बट यहाँ ऐसा नहीं है माँ की करुणा हमेशा होती है माँ दंड जरूर देती है यदि किसी ने गलत कार्य किया लेकिन कोई हृदय से जाकर के माँ से यदि माफ़ी मांग ले तो मा माँ माफ़ कर देती है तो ये है माँ की करुणा वात्सल्यपूर्ण तो करुणामयी नित्य निरूपमा जिसकी कोई उपमा नहीं है जिसका किसी से तुलना नहीं की जा सकती निर्वाण सुखदायिनी जो निर्वाण का सुख देती है नित्या षोडशिका रूपा श्री कंठा द जो नित्य षोडशिका रूपा जब माँ की पूजा होती है तो पंद्रह नित्याओं की पूजा होती है उसके साथ साथ एक सोलह नित्या होती है वो जो सोलहवीं नित्या होती है वो ललितांबिका अब ये नित्या कौन है तो जब चंद्रमा होता है ना हमारे यहाँ चंद्रमा आप देखते हो ना कि अमावस्या से लेकर के पूर्णिमा तक पंद्रह दिन तो अमावस्या के दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता ठीक पूर्णिमा का दिन पूरा दिखाई देता है अमावस्या से लेकर के एकादशी द्वादशी ऐसे वो बढ़ बढ़ता जाता है वो फिर कम होता जाता है लेकिन जब अमावस्या के दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता तो चंद्रमा होता है या नहीं होता दिख नहीं रहा है कि नहीं है ना इसलिए तो दूसरे दिन दिखाई देता है थोड़ा सा पूर्णिमा के दिन पूरा दिखाई देता है फिर वो कम कम कैसे होने लगता है ये गायब हो जाता है तो ये जो बढ़ रहा है और ये जो घट रहा है ये कौन कर रहा है चंद्रमा के बस ताकत है क्या चंद्रमा की शक्तियां तो हर एक दिन की जो उनकी जो शक्ति होती है पहले दिन की शक्ति दूसरे दिन की शक्ति ऐसे तो कभी भी आप देखेंगे भगवान अष्टमी के दिन प्रकट होते हैं भगवती अष्टमी के दिन प्रकट होती है कृष्ण भगवान का जन्म काल अष्टमी के दिन हुआ हमारी योगमाया विंध्य व्यासनी ललितांबिका ललितांबिका को त्रिपुरा कहते हैं त्रिपुरा जो है यही विंध्यवासिनी यही योग माया यही पद सहोदरी कृष्ण की बहन बनकर के प्रकट हुई हैं ये ठीक है ना गोविंद रूपिणी यही है तो ये दोनों अष्टमी के दिन प्रकट हुए तो आपको पता है अष्टमी का चंद्रमा कैसा होता है आप यहाँ से लेकर के मतलब अमावस्या से जब आप पूर्णिमा की तरफ बढ़ोगे तो भी अष्टमी का चंद्रमा का जो शेप है वो वही रहने वाला है इक्वल है पूर्णिमा से लेकर यहाँ तक और अष्टमी से लेकर यहाँ तक वो जो इक्वल ठीक है ना उसका शेप द्वितीय का चंद्रमा चंद्रमा ऐसा नहीं होगा तृतीया का चंद्रमा ऐसा नहीं होगा वो कम होगा लेकिन अष्टमी का जो चंद्रमा है चाहे तो आप चाहे पूर्णिमा से आकर के नीचे देखो चाहे नीचे से लेकर ऊपर देखो वो सेम है दोनों तरफ तो कहने का अर्थ है ये दोनों प्रकट होते हैं यहाँ पर अष्टमी के दिन ठीक वो चंद्रमा वैसे का वैसे आधा दिख रहा है आधा नहीं है लेकिन ये ये पूरे के ये दिखे या ना दिखे देवी प्रकट रूप में दिखे या ना दिखे वो पूर्णिमा की चांद की तरह दिखाई दे या वो काल रात्रि की तरह काली अमावस्या दिखाई दे लेकिन वो हमेशा है तो जो पंद्रह नित्याय है वो चंद्रमा एक एक दिन जो घटता है जो बढ़ता है उन पंद्रह दिनों को नित्या नित्याओं का नाम दिया गया लेकिन चंद्रमा ना घट रहा है ना बढ़ रहा है वो वैसे का वैसे ही है वो जो वैसे का वैसे ही है जो कभी अष्टमी को प्रकट होती है कभी नहीं होती है वो जो पूर्णिमा के दिन पूरी दिखाई देती है उसी को हम कहते हैं ललिता त्रिपुर सुंदरी और जो अमावस्या के दिन नहीं दिखाई देती है वही काली त्रिपुर सुंदरी की पूजा में काली का भी मंत्र होता है ओके okay? काली की पूजा होती है ठीक तो नित्य षोडशी का रूपणीय नित्य षोडशी का अर्थ ये हुआ जो नित्या जो षोड़शी नित्या है जो सोलहवीं नित्या है जो हमेशा रहती है ऐसी जो त्रिपुर सुंदरी है उनको हम नमस्कार करते हैं श्री कंठार्द शरी शिव जी को यहाँ पर श्रीकंठार्थ कहा गया उनके उनका जो जो अर्धांग है वो देवी हैं भगवान शिव को शिव ने हलाहल ले लिया था तो हलाहल लेने के बाद परेशान हो गए जो समुद्र मंथन में आप लोगों को कथा पता होगी तो जब परेशान हो गए तो भागे कोई तो मुझे इस हलाहल से बचाए उस ए, उसके आग से जल जहर के तो जब ऐसे ले लिया तब तो कहाँ जाएंगे कौन बचाएगा उनको तो गए माँ तारा के पास गए भगवती के पास ही भगवती तो बचाएंगे ना उनके अर्धांगे भगवती ने मदद की कैसे की भगवती माँ बन गई भले तुम बच्चे बन के आ जाओ और माँ तारा बन करके भगवती ने उनको दुग्धपान कराया है दुग्ध से ही वो विष कम हुआ है इसी से उनको आराम मिला है तो माँ उनके जिनके गले में हलाहल की वजह से जिनको तकलीफ हो गई थी उस जलन को जिसने शांत किया है वो माँ है वो उसमें तारा तारा के रूप में आती है उनका दूसरा नाम है कुरुकुल्ला ठीक है ना तो श्री कंठाद शरीर नि ऐसी माँ भगवती को हम प्रणाम करते हैं जो भगवान शिव की अर्धांगनी है श्लोक नंबर एटी सिक्स प्रभावती प्रभा रूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूल प्रकृतिर व्यक्ता व्यक्ता व्यक्त स्वरूपिणी वो माँ जो प्रभावती हैं जो प्रभा रूपा है जो बहुत चमकती रहती हैं प्रसिद्ध प्रसिद्धा है जो सबकी परम ईश्वरी है जो मूल प्रकृति है माँ के दर्शन करने हैं मूर्ति में तो दिखाई देती हैं देती हैं लेकिन प्रकृति प्रकृति ही माँ है प्रकृति में पेड़ पौधे जंतु जीव हर एक चीज सबका पालन कौन कर रही है माँ हवा आपको छू जाए माँ जल जो आप पीते हो जिससे प्यास बुझती है माँ आकाश के नीचे बैठे हो कभी कभी बहुत परेशान हो जाओ लेकिन फिर आप एक ऐसी यात्रा पे निकल जाओ कहीं यात्रा आपको सब बुला देती बुला देती है ना परेशानियाँ और कभी आप नेचर में रहो प्रकृति के साथ रहो मन अपने आप शांत हो जाता है कभी नदी किनारे बैठो समुद्र किनारे अपने आप शांत हैं कौन है ये ये माँ है और माँ का नाम दिया गया मूल प्रकृति तो मूल प्रकृति जो कुछ मेरे आजू बाजू आप प्रकृति देख रहे हो हरी हरे घास ये पेड़ या आसमान ये हवा सब सब माँ है इंसानों का जो मूल स्वभाव है सात्विक राशिक तामसिक गुण मूल स्वभाव वो तो स्वभाव ही माँ है पंचभूत ये मूल प्रकृति है ये भी माँ है धरती माँ है तो ये सारे के सारे जो प्रकृति है अष्टदा प्रकृति मन बुद्धि अहंकार उसके साथ साथ ये जो पंचभूत ये सब मिला करके अष्टदा प्रकृति बनती है ऐसी जो मूल प्रकृति है इनको हम नमस्कार करते हैं जो अव्यक्त है अव्यक्ता उनको हम नमस्कार करते हैं जो अव्यक्त होते हुए भी व्यक्त भी है व्यक्त अव्यक्त स्वरूपिणी जो दिख रहा है वो भी माई मेरी माँ है जो नहीं दिख रहा है वो भी माँ है जो हम समझ पा रहे हैं वो भी माँ है। जो नहीं समझ पा रहे वो भी माँ है। तो वो व्यक्त अव्यक्त स्वरूप में जो है उनको नमस्कार है श्लोक नंबर एटी सेवन व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्या स्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमदा कौमुदी व्यापिनी जो सर्वत्र व्याप्त है विविध आकारा जो विविध आकारों में है स्वरूपिणी और अविद्या स्वरूपिणी जो ज्ञान है वो भी वही है अज्ञान है वो भी वही है हमें जो ज्ञात हो रहा है वो ठीक है वही है ज्ञान जो हमें नहीं है अज्ञात है वो भी वही है तो विद्या, -विद्या स्वरूपिणी और साथ साथ महाकामेश नयन कुमुदा लाद कौमुदी कि इनको देखते ही कामेश्वर भगवान शिव की बाबा शिव बाबा की ना आंखें ऐसे खिल जाती हैं एकदम कैसे खिल जाती हैं उदाहरण दिया है जैसे चंद्रमा को देखते ही कमलिनी खिल जाती है चमन चंद्रमा आते हैं ना तो कमलिनी खिल जाती है ऐसे भगवान शिव के नेत्र खिल जाते हैं जब माँ उनके सामने प्रकट हो जाती है ऐसी प्यारी प्यारी माँ को नमस्कार है श्लोक नंबर एटी एट भक्त हार्द तमो भेद भानु मद भानु संतति ही शिवदूति शिवाराध्या, शिवमूर्ति शिवंकरी जो भक्तों के हृदय के अंदर जो अंधकार है जो नेगेटिविटी डिप्रेशन है? आ, अज्ञानता जिसकी वजह से हम दुखी होते हैं परेशान होते हैं वो सारा अज्ञान वो सारा तम वो जो भेद हम अपने आप को भूल चुके हैं कि हम माँ के हैं ये भूल गए हम लेकिन जब हम मां से जुड़ते हैं मां के जनों से जुड़ते हैं मां से जुड़ना यानी मां के जनों से मां के भक्तों से जब हम मां से जुड़ते हैं मां के भक्तों से जुड़ते हैं तो मां हृदय के अंदर सूर्य के जैसे चमकती है और हृदय के अंदर सूर्य जैसे चमकते हुए हमारे हृदय के अंदर की जितनी अंधकार है जो हमारे दुख है सबको मां दूर कर देती है तो ऐसी मां को नमस्कार है शिवदूति शिव से और शिव आराध्या शिव जिनकी आराधना शिव जिनकी आराधना करते हैं ऐसी माँ और जो भगवान शिव की दूती मतलब भगवान शिव की शिव की बातें जो पहुँचाने वाली हैं हमारे यहाँ आगम निगम होते हैं ना तो माँ ही प्रश्न करती है और शिव जी उत्तर देते हैं ज्ञान देते हैं तो शिव की वो बात हम तक पहुँचेगी कैसे माँ ही ज्ञान शक्ति बनकर के बैठी है ना शिव जी की दी हुई बातों पर हम चलेंगे कैसे माँ ही इच्छा शक्ति क्रिया शक्ति बनकर के बैठी हुई है तो आगम में तंत्र शास्त्रों में जो भी ज्ञान हमको दिया गया शिव जी ने दिया गुरु बन करके तो वो शिवदूती कलाई और इतना ही नहीं निगमों में माँ खुद ही खुद ही ज्ञान दे रही है तो माँ बात शिवजी कर रहे हैं शिवजी प्रश्न करते हैं तो ये जो प्रश्नोत्तरी जो ज्ञान के माध्यम से जो फैलती है दुनिया में वो करवाता कौन है स्वयं माँ वो मूर्ति है साक्षात वही शिवंकरी हैं और शिवंकर यानी जो हमको प्रसन्नता देती हैं जो हमारे मन को शांति देती हैं ऐसी जो हमारी माँ है इनको नमस्कार है शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्ट पूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचा मगोचरा श्लोक नंबर 89 नाइन जो शिव की बहुत प्रिय हैं जो शिव शिवपरा है जो शिव के अनन्य अनन्या है अनन्य रूप से जो शिव को प्रेम करती हैं जो शिव शिवपरा है शिष्टेष्टा जो लोग शिष्ट रहते हैं जो डिसिप्लिन में रहते हैं ऐसे लोगों को वो बहुत प्रिय करती हैं और जो डिसिप्लिन में रहते हैं वो लोग इनको बहुत बहुत पसंद करते हैं उनकी पूजा करते हैं तो शिष्ट ऐष्ठा शिष्ट पूजिताए नम अप्रमेया जिनका हम प्रमेय मतलब जिनको हम माप नहीं सकते ऐसी देवी स्वप्रकाशा जो स्वयं प्रकाशित हैं ऐसी देवी मनोवाचा मगोचरा जो मन और वाणी से परे हैं कितना भी शब्दों से इन इनके गुण का हम वर्णन करें कितना कर पाएंगे मन से कितना भी पकड़ने का प्रयास करें कितना पकड़ पाएंगे मनोवाचा मगोचरा ऐसी जो देवी हैं इनको नमस्कार है श्लोक नंबर नब्बे चित्च शक्ति चेतना रूपा जड़ शक्ति जड़ात्मिका गायती व्राइति संध्या द्विज वृंदन सेविता चित्त शक्ति चित्च चित्त शक्ति जो हमारा हम लोग जिंदा है ना कैसे जिंदा है चेतना है हमारे अंदर तो यहाँ पर नाम दिया गया चित्त शक्ति चेतना रूपा ये जो चेतना रूप में जो है वो माही है चित्त शक्ति हमारा जो चेतना है उसकी जो शक्ति है प्राण की जो शक्ति है वो माँ ही है ऐसी माँ को प्रणाम है अब माँ को हम बाहर से ढूंढते ढूंढते कहाँ गए चेतना में आ गए मूल प्रकृति कहा पहले बाहर है सब चीज़ में है फिर कहा चेतना में कहाँ ढूंढोगे सब जगह ढूंढ चुका चेतना में चित्त शक्ति रूप में माँ ही बैठी है और जड़ शक्ति इतना ही नहीं जड़ शक्ति ये जो शरीर है नहीं जड़ है जैसे हाथ पैर मांस हड्डी ये जड़ है लेकिन जड़ में भी जड़ चल के रहा है चेतना की वजह से तो जड़ रूपा जड़ की शक्ति भी यही है और चेतना भी यही है और जड़ आत्मिका इस जो ये जड़ रूपी जो शरीर है उसके अंदर जो आत्मा है वो भी माही है तो उनको नमस्कार है वही मंत्रों में है। कौन से मंत्र में गायत्री मंत्र तो साक्षात माही गायत्री मंत्र हैं जो हम लोग कहते हैं एक गायत्री मंत्र तो जो आप लोग सुनते हो भूर बस्व तत्सविदरेणियम अच्छा भर्गो धीम धीमहि धियो यो न प्रचोदयात जिसमें हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं और कहते हैं उनकी महिमा गाते हैं और कहते हैं कि आपने संसार को बनाया है आपके ही प्रकाश से ये धरती अंतरिक्ष और स्वर्ग लोग प्रकाशित हैं तो आप हमारी चेतना में हमारी चेतना को भी प्रकाशित कीजिए हम आपके ऊपर ध्यान करते हैं हमारी चेतना को भी प्रकाशित कीजिए और हमें सत्य मार्ग पर ले चलिए ये तो हम जो गायत्री मंत्र कहते हैं ये इसका अर्थ है वो गायत्री कौन है कहने वो ललिता है और श्री विद्या उपासक जो है गायत्री के पंचदशाक्षरी को ही गायत्री ललिता के पंचदशाक्षरी को जब जपते हैं तो उसको तो गायत्री का ही स्वरूप समझते हैं उनको अलग से कोई गायत्री करने की जरूरत नहीं तो श्री विद्या में गायत्री मंत्र जो हैं वो साक्षात ललिता ही हैं और इसकी कथा भी है त्रिपुरा में आती पुराणों में कि माँ ही माँ त्रिपुरा ही गायत्री बनकर के प्रकट हुई सावित्री बनकर के प्रकट हुई। अब इसके अंदर एक दूसरा नाम आता है व्या गायत्री व्याहृति संध्या द्विज वृंदन सेविता वही गायत्री हैं वो ही, है, ही व्याहृति हैं तो व्याहृति क्या होता है जब हम गायत्री पढ़ते हैं तो उसमें जो स्वर्गीय जो लोग हैं जो अपर लोग जो तो, तो, तो उनको सब सप्त तो लोग हैं तो उनको व्या व्यारिति कहा गया तो हम कहते हैं ओम भूर भुअ स्वह मह जन तप सत्यम तो ये सारे भूर भुअ स्वह जन मह तप सत्यम ये सारे के सारे व्यारिति हैं तो उनको नमस्कार है जो हम गायत्री में जिनको हम याद करते हैं संध्या त्रिसंध्या जो हम करते हैं त्रिसंध्या तो में हम इनको याद करते हैं इनको नमस्कार है और द्विज वृंद निषेविता द्विज जिनकी दीक्षा हो गई होती है वो जो इनका भजन करते हैं ऐसे द्विजों से द्वारा के द्वारा वंदित पूजित ऐसी जो हमारी माँ है इनको नमस्कार है तत्वासना तत्वमयी पंच कोशांतरस्थिता निस्सीमिमानित्य यौुना मदशालिनी और माँ जो है तत्व के आसन पर बैठती है तो तत्व क्या है साधारण से लोग कई बार कहेंगे पंच तत्व है ठीक है पंच तत्व क्या है तो पंच तत्व आप लोग कहेंगे धरती आकाश वायु है ना तो पहले पृथ्वी तत्व आएगा फिर जल तत्व आएगा फिर अग्नि फिर वायु फिर आकाश ये पंच तत्व ठीक है तो ये पंच तत्वों पर जो विराजमान है वो है देवी सिंपल से सरल वाख्या फिर कोई लोग गीता पढ़े होंगे मेरे पास जो लोग सीखने आते हैं श्री विद्या मेरी कंपल्शन होती पहले गीता पढ़ के आओ क्योंकि गीता नहीं पढ़ोगे तो तत्व क्या समझ में आएगा आपको तो गीता में भगवान ने तत्व की बात करी है तो 24 तत्व भगवान ने बताए जो कि सांख्य योग में भी आता है 25 तत्व परमात्मा को लेकर के तो ये 24 तत्व जो लोग गीता मेरे साथ किए हैं वो तो जान ही रहे होंगे तो जो पंचभूत है ना ये पंचभूत से ही बाकी के तत्व निकलते हैं ठीक है तो पंचभूत पंचतन मात्रा पंचकर्मेंद्रियाँ पंच ज्ञानेन्द्रियाँ पंच 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 और उसके बाद जा करके जो निकलता है आ, मन बुद्धि अहंकार ठीक तो ये और प्रकृति मन बुद्धि अहंकार प्रकृति ये पूरे मिला करके आपके चौबीस तत्व होते हैं तो कोई और ज्ञानी होगा वो बोलेगा चौबीस तत्वों का जिसने आसन बना करके रखा है वो माँ तो पंचभूत तो आपको पता चल गया पंचतन मात्रा शब्द स्पर्श रूप रूप-रस-गंध, ये पंचतन मात्रा हो गई फिर पंच ज्ञानेन्द्रिया अब जो ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध है ना इनकी ज्ञान इंद्रिया है हमारे शरीर में ठीक है ना आंखों से देखते हैं आँखों से ज्ञान मिलता है कान से सुनते हैं श्रवण इंद्रिया नाक से सूंघते हैं घृण इंद्रिया ठीक है ना जीप से टेस्ट करते हैं रसनेन्द्रिया त्वचा से गर्मी ठंडी फील करते हैं ठीक तो इस प्रकार से पांच और हो गई हमारी ज्ञान इंद्रिया उसके बाद पांच कर्म इंद्रिया और होती है तो सोच लो पंचभूत में माँ बैठी हैं पंच तन मात्रा में मां बैठी है आंखों में मां बैठी है अगर मां नहीं हो माँ चेतना है माँ चित्त शक्ति है तो आँख क्या अगर चेतना ही नहीं हो आंख में तो आँख तो दो होली रहेंगे बस अगर यहाँ चेतना न हो तो आप सुन पाओगे जबान पे चेतना न हो तो क्या टेस्ट कर पाओगे और नाक में चेतना ना हो तो मर जाओगे तो ये जो चेतना शक्ति या इन जगहों पर जो चेतना है वो माँ है तत्वासना का ना अभी पच्चीस अभी तो मैं चौबीस तत्व पच्चीस तत्वों पे हूँ चौबीस तत्व तो उसके बाद कहा गया कि कर्मेंद्रियाँ ठीक है तो हम बोलते हैं मुँह से तो एक कर्मेंद्री मुँह हाथों से काम करते हैं दो कर्मेंद्री पैरों से चलते हैं तीन कर्मेंद्री फिर हमारे जो ऑर्गन्स हैं रिप्रोडक्शन बच्चे पैदा करना ठीक तो वो और एक कर्मेंद्री हमारे और जनेन्द्री जिसको हम कहते हैं पायु और एक उपस्थ जहाँ से हम जो शरीर के अंदर कम्बल है उसको निकालते हैं तो देखो ये पांचों के पांचों जगहों पर भी माँ ही है अगर इनमें इनमें थोड़ा भी कुछ गड़बड़ हो गया तो गड़बड़ी है ना तो ये जो चौबीस तत्वों में जो विराजमान है वो माँ है अभी मैंने बीस कहा फिर मन में बुद्धि में अहंकार मन बुद्धि अहंकार ये तीनों में जो विराजमान है वो माँ है तो ये हो गए तेईस फिर एक और एक दिया प्रकृति भगवान ने दिया ये गीता में चौबीस प्रकृति तो, तो माँ ही है मूल प्रकृति अभी प्रकृति आई कहाँ से अब इसी का विस्तार कर देते हैं हम लोग जब हम लोग श्री विद्या में जाते हैं इसको हम छत्तीस बना देते हैं चौबीस तो ये तो आपको आ जाना चाहिए गीता पढ़ने वालों को फिर आपको ग्यारह और ऐड करने पड़ेंगे जब आप सीखोगे धीरे धीरे तो आपको अपने आप आ जाएगा तो पहला हम कहते हैं शिव शिव तत्व ठीक है शिव की शक्ति दो तत्व फिर एक सदाशिव जो हमेशा है एक प्रकट शिव मतलब ये संसार दिख रहा है तो शिव है नहीं दिख रहा तो नहीं है तो क्या नहीं है क्या शिव शिव है तो सदाशिव फिर यही सदाशिव का एक दूसरा तत्व जो बनता है जो ईश्वर मतलब ईश्वर यानी कंट्रोलर तो शिव शक्ति सदाशिव शिव को कहो परम शिव परम शिव शक्ति सदाशिव ईश्वर फिर एक शुद्ध विद्या जो भागवती विद्या है वो शुद्ध विद्या ये सारी शक्ति ये सारे तत्व हैं ठीक है उसके बाद ये शुद्ध विद्या जब संसार में जब आती है तो कवर्ड अप हो जाती है नहीं है ज्ञान छुप जाता है कौन छुपा रहा है माया मैंने जितने तत्वों का नाम दिया जैसे, जैसे शिव का नाम लिया शिव में भी अगर शक्ति ना हो तो शिव शव है ठीक अच्छा सदा शिव हमेशा है ये सबकी शक्ति देवी ही है तो शुद्ध विद्या के रूप में देवी ही है और ये जब विद्या को कवर कर देती है ताकि ये संसार का खेल शुरू हो जाए तो वो माया बन जाती है तो माया फिर ये माया अलग अलग कलाओं के रूप में प्रकट होती है संसार में विभिन्न कला तो वो जो कला है ना वो भी तत्व ही है उसके बाद फिर और एक विद्या जो संसार की जो विद्या संसारी विद्या फिर संसार में जो चीज़ का हमको भान होता है सब चीज़ का ज्ञान होता है फिर उनके तरफ अटैचमेंट उसको कहते हैं राग तो ये भी तत्व हो गया तो हमने कहा अभी माया कला विद्या फिर राग अटैचमेंट फिर उससे जिस जिस चीज़ से अटैचमेंट है जिस से द्वेष है ये बढ़ता जाएगा खेल तो हमको फिर हम अपनी डेस्टिनी लिखते जाते हैं नियति और वो डेस्टिनी कैसे पूरा होने वाली कब पूरा होने वाली है एक समय पर आकर ये पूरा होने वाली है काल ठीक फिर उसके बाद पुरुष उसके बाद काल पुरुष प्रकृति ये सारे के सारे तो ये पूरे मिलाकर के जो मैंने भी कहा आप लोगों को वो गए छत्तीस तत्व चौबीस आप गीता में पढ़ लेना आसानी से उसके बाद ये ग्यारह आपको अपना लगाना पड़ेगा और इस प्रकार से आपको छत्तीस तत्व समझ में आएंगे तो जो यहाँ पर कहते हैं ना तत्वासना उसका अर्थ है माँ जो इन छत्तीस तत्वों में रहती है छत्तीस तत्वों का जिसने आसन बनाया है ऐसी माँ को नमस्कार है तत्वास ये हम लोग एकानवे कर रहे हैं तत्वासना तत्वमयी तत्वमयी पंचकोश जो जो शरीर रूपी पंचकोशों में है तो शरीर के पांच कोश होते हैं अन्नमय कोश उसके बाद प्राणमय कोश उसके बाद मनोमय कोश ज्ञानमय कोश विज्ञानमय कोश और फिर आनंदमय कोश तो ज़्यादातर yeah, व्यक्ति तो अन्नमय कोश में ही रहते हैं अन्नमय और प्राणमय कोश में रहते हैं या मनोमय कोश में रहते हैं ये तीन लेवल पे सब लोग रहते हैं लेकिन जब आप साधना करने लगते हो तो आपका ज्ञान विज्ञान तो जागने लगता है और फिर जब जानते हुए जब आप समाधि तक पहुँचते हो जहाँ शुद्ध ज्ञान प्रकाशित हो जाता है तब व्यक्ति हमेशा आनंदमय कोश में रहता है उसको हम जिसको हम निर्माण की स्थिति या समाधि की स्थिति या आनंदमय वो उस स्थिति में रहता है तो पंचकोशांतर स्थित जो पंचकोशों के अंदर जो रहने वाली है ऐसी देवी को हम प्रणाम कहते हैं नसिम्ह महिमा नित्य यौवना मदशालिनी जिसकी महिमा है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है महिमा की ऐसी माँ को प्रणाम करते हैं नित्य यौवना जिसका यौवन हमेशा रहता है नित्य यौवन मदशालिनी जो बड़ी शालीन है लेकिन मस्ती में रहती है एकदम मदशालिनी ठीक मद गुरुित रक्ताक्षी मद पाटल गंडबुहू चंदन द्रव दिग्दांगी चांपे युसुम प्रिया मद गुरुणित रक्ताक्षी बड़ी नशीली सी आंखें उनकी लाल लाल <laughs> आनंद में रहती है खुशी में रहती है तो खुशी से उनकी आंखें हमेशा लाल रहती है नशे में और मद पाटल गंडबुहू गाल भी एकदम लाल लाल गुलाबी जैसे ऐसी हमारी माँ चंदन चंदन द्रव दिंग दिखदांगी भक्त लोग खूब चंदन से उनका अब ये करते हैं वर्तन करते हैं उनको लगाते हैं चंदन चंदन से लेप लगाते हैं तो ऐसे जो चंदन के लेप से सुगंधित हो ऐसी हमारी माँ आह सोच रहे हो आप लाल लाल गाल लाल लाल सुंदर सुंदर आके मस्ती में मतवाली और चंदन की खुशबू आ रही है और उसके आगे और बोल देते चंपा ये कुसुम प्रिया चंपा का कुसुम जिनको बहुत पसंद है उनके अंदर उनके गले में चंपा की माला चंपा की वेणी आ ऐसी माँ को प्रणाम है <laughs> ऐसी मदमस्त लाल लाल दिखने वाली आनंद में झूमने वाली ऐसी सुंदर सुंदर खुशबू सुंदर सुंदर दिखने वाली और खुशबू खुशबू से आ, महकने वाली ऐसी माँ को प्रणाम है कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुंड कुल कुंडा लिया कौल मार्ग सेविता नाइन्टी थ्री कुशला जो सब चीज में कुशल है कोमल आकारा बहुत जो कोमल है कुरुकुल्ला तारा कुरुकुल्ला यानी तारा है तारा का अर्थ है जो आपको तार यती जो आपको तार देगी जो आपको लिबरेशन देगी जो आपको मोक्ष का पद देगी उसको कहते हैं तारा कुरुकुल्ला हम लोग भावना उपनिषद पढ़ते हैं उसमें उनका नाम का ये हमारी माता है कुरुकुल्ला देवता माता तो यही कुरूकुल्ला है जो हमको तारती है और जो भी हम देते हैं इनको उसको स्वीकार करती हैं तो ऐसी माँ कुलेश्वरी कुल की ईश्वरी श्री कुल की ईश्वरी जो लोग माँ जो लोग माँ का भजन करते हैं वो हो गए श्री कुल वाले ठीक है ना अच्छा जो नहीं कर रहे वो क्या उनका कोई कुल नहीं है सभी तो माता के कुल में है ना बताओ ना मुझे कोई माता के कुल से अलग है तो कुला कुला भी इनको कहते हैं तो कुलेश्वर यानी जो कोई इनका है सबको जो कंट्रोल करती है वो है कुलेश्वरी ये तो इसका हुआ ब्रॉड अर्थ लेकिन अगर कोई एकदम ऐसे माइंडेड अर्थ पे जाए तो फिर कहते हैं अरे जो श्री कुल की को देवी है जी जि, जिस तो उनको हम कहते हैं कुलेश्वरी ठीक बाकी कुल देवी यही है कुल देवी ठीक हम लोग एक बार अपने कुल के बड़ा हमको अभिमान होता ना हम इस कुल से हम उस कुल से हैं भाई हमको तो एक माँ कुल मालूम है हम माँ के कुल के हैं ठीक हमारी कुलेश्वरी माँ है, हमारी कुलदेवी माँ है। कुल कुंडालया कौल मार्ग तत्पर सेविता ठीक है तो कुल में ये शरीर को भी कुल कहेंगे इसके अंदर की जो कुंडली शक्ति है वो वही है और कौल मार्ग तत्पर सेविता कौल मार्ग से जो इनका जो इनकी पूजन करता है उससे वो बड़ी प्रसन्न होती हैं। कौल मार्ग भगवान शिव के द्वारा दिया गया मार्ग है और भगवान शिव ने बहुत सुंदर सुंदर बातें कॉल मार्ग के अंदर कही गई हैं तो जो लोग इस कॉल मार्ग को उस शुद्ध तरीके से जैसे भगवान शिव ने समझाया है उस तरीके से जब पूछते हैं तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है कुमारगण अभी हम नाइन्टी फोर्थ कुमार गणनाथ हम्बा तुष्टि पृष्ठि मति दि शांति स्वस्थि मती कांतिर नंदिनी विघ्ननाशिनी कुमार कुमार कार्तिके और गणनाथ गणेश जी इनकी जो अम्बा है इनको नमस्कार है तुष्टि पुष्टि मति धृती ही जो हमेशा संतुष्ट रहती हैं, जो पुष्ट हैं और पुष्टि देने वाली हैं, जो मति स्वरूप हैं जो धृति स्वरूप हैं ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं जो शांति स्वरूप हैं स्वस्ति मति और कांति नंदिनी जो नंदिनी है और बहुत सुंदर कांति वाली हैं ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं विघ्न नाशिनी जो विघ्नों को दूर करने वाली हैं ऐसी माँ को हम नमस्कार करते हैं 95 फाइव तेजोवती थ्रीनैना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी मालिनी हंसनी माता मलियाचल वासिनी जो बहुत तेजोवती हैं जो तीन नैनों वाली हैं लोलाक्षी जिनके नेत्र में आ, प्रेम नज़र आता है और ऐसी प्रेमातुर नेत्रों वाली रूपिणी संसार में जितने काम हैं काम की काम को स्वरूप ही माँ ही है तो काम रूपिणी मालिनी आ, जो मल्याचल में रहने वाली हैं एक तो ये अर्थ हुआ दूसरा मालिनी का अर्थ है जिन्होंने मातृकाओं का माला पहन करके रखा हुआ है तो पचास मातृकाएं है होती हैं ना तो उनका जो माला उन्होंने पहन करके रखी है मातृका से ही माँ की पूजन होती है जब आप श्री विद्या पूजा करोगे तो उसमें मातृकाओं का न्यास वगैरह होता है तो ये मातृकाओं की माला जिसने धारण करके रखी है उसको कहते हैं मालिनी हंसिनी जो हंस के जैसे हैं और हंसिनी माता और मल्याचलवासिनी जो मलयाचल में रहती हैं ऐसी हमारी माता इनको नमस्कार है सुमुखी नलिनी सुब्रूहु शोभना सुरनायिका कालकंठी कांतिमती शोभिणी रूपिणी जो सुमुखी बड़े सुंदर मुख वाली है नलिनी कमल कमलिनी की जैसे हैं सुब्रूहु जिनके नेत्र जिनके भाव हैं बड़े सुंदर हैं, शोभना सुर नायिका कि सारे देवताओं की जो नायिका है और कालकंठी जो शिवजी के कंठ कंठहार हैं ठीक है कांतिमती बड़े सुंदर कांति वाली जो बहुत चमकती रहती हैं, सिद्ध शोभिणी जो क्षोभ पैदा करती हैं जब संसार जब ये आता है तो संसार प्रकट कैसे होता है माँ के छोप से माँ शिव के क्षोभ से तो छोभणी और सूक्ष्म रूपणी और सूक्ष्म रूप में जो हमेशा रहती हैं ऐसी माँ को नमस्कार है अब हम लोग आखिरी वाला श्लोक पढ़ेंगे वज्रेश्वरी वाम देवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्ध विद्या सिद्ध माता यशस्विनी ऐसी माँ को जिनका नाम है वज्रेश्वरी एक तो जगह है वज्रेश्वरी बॉम्बे में बॉम्बे से थोड़ी दूरी है महाराष्ट्र में है बहुत सुंदर जगह है तो जो वहाँ एक अर्थ ही होता है और भी जगह जगह पे वज्रेश्वरी का पीठ है लेकिन मैं क्योंकि इस क्षेत्र को दर्शन करी हूँ तो इसलिए मुझे वही याद आती है दूसरा वज्रेश्वरी होता है जो हमारे हृदय के अंदर जो निवास करती हैं वो है वज्रेश्वरी और वाम देवी अगेन वाम देवी का भी अर्थ वही होता है जो जो शरीर के वाम भाग में वाम भाग यानी हार्ट चक्र में जो हृदय के चक्र में जो निवास करती हैं तो एक अर्थ ये होता है दूसरा वामदेव यानी भगवान शिव जिनकी वो अर्धांगनी है ऐसी वामदेवी को हम नमस्कार करते हैं वयो अवस्था विवर्जिता जो जिनका जो एजलेस है जिनका उम्र जिनके माना उम, नहीं जा सकता उम्र के हद, वयो अवस्था और हर अवस्था से वो परे हैं वय से और हर अवस्था से वो परे हैं ऐसी जो माँ है इनको नमस्कार है सिद्धेश्वरी ये सभी सिद्धों की ईश्वरी हैं विद्या श्री विद्या सिद्ध विद्या है यही सिद्ध माता है और सारा यश इन्हीं का है सबसे ज़्यादा यशस्विनी ये है तो इतने सारे सुंदर सुंदर गुणों वाली जो माता है ऐसी माता को हम हृदय से नमस्कार करते हैं और अपना सारा प्यार इनके चरणों में रख देते हैं और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर हम रोकते हैं और अगला जो वीडियो होने वाला है बहुत ही सुंदर होने वाला है माँ के अलग अलग योगिनियों का न्यास वो अगले श्लोकों में आएगा तो तब तक के लिए जय श्री माँ जय ललितांबिका आप सब आप सबके हृदय में बैठी माँ परमेश्वरी हमेशा प्रसन्न रहें और आप भी प्रसन्न रहें